जालौन जिले में शिक्षा विभाग की खस्ता हालत। राठौरनपुरा गांव का जर्जर हालत में स्कूल की बिल्डिंग कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बच्चों की जिंदगी और मौत के बीच में पहुंचकर अपना भविष्य सवारने लगे हुए हैं। वहीं रामपुरा खंड शिक्षा अधिकारी को कई बार दी गई सूचना, लेकिन फिर भी नहीं हुई सुनवाई। बारिश होने से पूरे स्कूल में टपकता है पानी, जिससे स्कूल में रखे कागजात और किताबें भीग गई। मामला रामपुरा विकास खंड के राठौरनपुरा गाँव का है। जी महोदय, क्या नाम है आपका? राम अवतार। अच्छा, कहाँ के अध्यापक हो आप? मतलब हम यूपीएस राठौरनपुरा में इंचार्ज प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत। अच्छा, ये कितने विद्यालय अपने थे जो कितनी क्लास तक है? 6 से लेकर 8 तक की कक्षा। अच्छा, तो कितने यहाँ अध्यापक हैं? अध्यापक केवल एक हम। अच्छा, आप ही हो? अच्छा, 54 नामांकन है, 54 बच्चों का नामांकन है। अच्छा, जो यहाँ पर ये खस्ता हालत है अपने थे, ठीक है, विद्यालय की दीवारें टूटी हुई हैं, तो आपने कोई सूचित नहीं किया कुछ उच्च अधिकारियों को? सूचना दी है। अच्छा, दी है जी। तो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ? कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। संतोष बाबू बीआरसी में बैठते हैं, उन्होंने देखा, कह रहे थे हमने बीएसए को लिख दे दिया है जी, और वो कार्रवाई जो है पीडब्ल्यूडी में जाती है, मुझे जानकारी नहीं जाती हो जी, वो सूचना चल रही है। तो मान लीजिए अपने दीवारें हैं बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, बाई चांस आप बच्चों को अंदर पढ़ाते हो, ठीक जी, हम उसी हिसाब से अपना सेटल करते हैं जहाँ सुरक्षित समझ में आता है, लेकिन पूरे कमरे ही किताबें भीग जाती हैं, कहीं सामान भीग जाता है पानी की वजह से, क्योंकि क्योंकि जगह ही नहीं कहीं पर। अच्छा जी जी जी। भैया, क्या नाम है आपका? जसमन। पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का जी। माताजी कहाँ के निवासी हो? राठौरनपुरा। अच्छा भैया, क्या समस्या है स्कूल की? समस्या का ये गिर रहा है स्कूल। अच्छा, वो बच्ची बता रही थी कि हमारे ऊपर एक दिन झपड़ा करो तो। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती है बच्ची आपकी? सातवीं में। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? अच्छा, तो ये अभी तक उसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई? अधिकारी वगैरह यहाँ आए हैं कोई? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया? अच्छा, तो क्या चाहते हो वैसे आप? स्कूल बनना चाहिए। अच्छा, स्कूल बनना चाहिए। कितना समय हो गया स्कूल को? स्कूल को अभी तो ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा।